शहर के देवकाली स्थित मित्र मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मित्र मंच प्रमुख शरद बाबा के निर्देशन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय सांसदा कपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने जमकर लगाए नारे लगाए, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस कार्यक्रम में मुख्य उपदेश सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रेरणा दी गई। युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा, जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वहाँ सब किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर RSS राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम देवकाली बाईपास पर कराया गया, जिसमें माननीय क्षेत्रीय समरसता प्रमुख कपिल जी मौजूद रहे, मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी मौजूद रहे, साधु संत मौजूद रहे और हमारे सभी युवा साथी सम्मिलित रहे। 1000 से अधिक संख्या आज इस कार्यक्रम में समर्पण करने आई। उद्देश्य यह है सभी हिंदुओं को सशक्त करना, सनातन संस्कृति को मजबूत बनाना और सभी को जाति बिरादरी से हटकर अपने धर्म से जोड़ना। ये संदेश देता है कि सभी हिंदू आपस में विभाजित ना हों, एक दूसरे को अपना भाई अपनी बहन मानकर आगे बढ़ते रहें और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। हम उनसे यही कहते हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति निष्ठा आस्था की भावना बनाकर आगे बढ़ते रहें। यस पाठक, जो है गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षार्थ के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, भारत माता की जय, और काशी के लिए भी जय, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनमानस सम्मिलित है, RSS के भी लोग सम्मिलित थे, जो लोग यहाँ, यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखने का प्रयास करें।